हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डाइविजेड एकेडमी से मैं मोहम्मद आफ्तावालम और एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक शानदार, जानदार और आपके काम की वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम देना है अप्रैल सन 2019 में या अक्टूबर सन 2019 में, उन बच्चों के लिए ये मैंने बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची आप लोगों के लिए हिंदी के लिए बनाई है, जिससे कि आप कम समय में बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। सब्जेक्ट है आपका हिंदी, पेपर कोड है आपका 201, बोर्ड है आपका NIOS और उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की आज हम बात करेंगे। ये पार्ट वन है। पार्ट वन के अंदर टोटल मैंने 20 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिए हैं। पार्ट टू के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल आप दोनों पार्ट कर लीजिए और टोटल 40 क्वेश्चन करने के बाद आप जो है एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो आप फाइनली ये देखेंगे कि आपको जो है लगभग लगभग सभी प्रश्न आते हुए होंगे और आप जो है उनका आसानी से उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि जो पेपर मैं आप लोगों के लिए सेट कर रहा हूँ वो इस तरीके से सेट कर रहा हूँ कि आप लोगों की पूरी जो है बुक कंप्लीट हो जाए। हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मैंने ज़रूर दिए हैं, तो इसलिए आप बेफिक्र रहिए। आपके जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टरों को कवर किया गया है। इम्पॉर्टेंट लेटर जो आपके पत्र हैं वो मैंने उसकी अलग से वीडियो बना दी है। इसमें सिर्फ मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं और हिंदी ग्रामर की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आप जो है हर वीडियो को तसल्ली से देखिए, पूरा देखिए और जो है जो भी मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए तो आपको वहाँ पर आंसर भी दे दिए जाएंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट क्वेश्चंस ताकि आप लोग उतार लें। इसका PDF मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा और आप वहाँ से आराम से कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो है आपका, अस्त्र शस्त्रों के बढ़ते प्रयोग ने आम आदमी के जीवन को प्रभावित किया है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा। शतरंज के खिलाड़ी तत्कालीन राजनीति व्यवस्था पर तीखा प्रहार है, सिद्ध कीजिए और आधुनिक संदर्भ में इसे जो है किस तरीके से आधुनिक संदर्भ में ये कारगर है, इसको जो है आपको बताना है। बहादुर कहानी के आधार पर मध्यवर्गीय परिवार की कुछ प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। बहादुर और किशोर के व्यवहार में अंतर के कारणों का विश्लेषण कीजिए और इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5, ये इसकी प्रसंग व्याख्या करनी है आपको, कर लीजिएगा। आपको इसके आंसर टॉप 20 की गाइड में या फिर टॉप 20 की जो कुंजी आती है उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि प्रश्न पत्र मैंने वहीं से बनाया है, तो ऑफ कोर्सली आपको आंसर भी वहीं से मिल जाएंगे। उसके बाद भी ना मिले तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको 100% मिल जाएंगे। निम्नलिखित दोहे का भाव स्पष्ट करते हुए अपनी टिप्पणी कीजिए, तो ये आपको मैंने नेक्स्ट पेज पे दिया है इसका आंसर। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये लीजिए, इस दोहे का जो है आपको भाव स्पष्ट करना है। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोयूं हाथ लीजिए यही सयानों काम। जिस तरीके से नाव में ज़रूरत से ज़्यादा पानी भर जाता है और नाव जब डूबने लग जाती है तो हम दोनों हाथों से जो है नाव में भर रहे पानी को निकालते हैं जिससे कि हमारा जीवन बच जाए। उसी प्रकार से जो है अगर आपके घर में अगर ज़्यादा धन संपत्ति है तो आप लोगों को यह करना चाहिए कि आप उसमें से थोड़ा बहुत जो है दान दक्षिणा भी दे दिया करें, यही सयानों काम है। इसकी आपको अच्छे से प्रसंग व्याख्या करनी है। गिल्लू की कौन सी बात आपको अच्छी लगी और क्यों, और इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15, 16 नेक्स्ट कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ दिए मैंने, ये लीजिए। समाचार स्रोत का क्या अभिप्राय है, विस्तार से समझाइए। समाचारों की भाषा की विशेषता बताइए। पढ़ने के 5 कौशल क्या हैं और अपरिचित शब्दों का अर्थ कैसे लगाया जाता है। तो ये आपके टोटल मैंने 20 क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं। पार्ट टू के अंदर आपको बाकी के 20 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, इससे आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी और उम्मीद करता हूँ आप
40 क्वेश्चन पढ़कर हिंदी के अंदर अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके 90% से ऊपर आए तो आप पूरी की पूरी गाइड पढ़िए, पूरी की पूरी आप जो है किताबें पढ़िए। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो आप सिर्फ इतना कर लेंगे तो आप इजीली पास हो सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इतने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।